तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे बजट 2023 से, जिस जो इफेक्ट करेंगे आपके इस साल के रिटर्न फाइलिंग को, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और अभी भी 3 महीने हैं, तो ये जो चेंजेस है, ये अगर आपके टैक्स अमाउंट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें या नहीं करें। फर्स्ट जो जो चेंज है वो है, रिवाइज कर दिया गया था टैक्स स्लैब फॉर न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक, फर्स्ट जो स्लैब था वो था 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, फिर 2,50,000 से 5,00,000 तक का था। मतलब हर एक स्लैब में 2,50,000 तक का ही डिफरेंस था। बट फाइनेंशियल ईयर 23-24 से सबसे पहले तो 3,00,000 तक कोई इनकम पे टैक्स आपको नहीं देना है, और नेक्स्ट 3,00,000 के स्लैब, मतलब 3,00,000 से 6,00,000 तक 5% टैक्स लगेगा। 6,00,000 से 9,00,000 तक की इनकम में 10% से टैक्स लगेगा, और 9,00,000 से 12,00,000 तक के स्लैब में 15% से लगेगा। 12,00,000 से 15,00,000 के इनकम टैक्स स्लैब में 20% से टैक्स रेट लगेगा, और 15,00,000 से अबव अगर आपकी इनकम है तो 30% से टैक्स लगेगा। तो आप देख सकते हैं हर स्लैब में 3,00,000 का डिफरेंस है। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेसिक स्लैब है वो पहले 2,50,000 तक था, मतलब 2,50,000 तक की अगर आपकी कोई इनकम है तो उसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। बट अब इस साल से 3,00,000 तक की इनकम में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट ये न्यू टैक्स रिजीम में है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी 2,50,000 तक ही निल टैक्स है। तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में स्ट्रेट अवे 50,000, एडिशनल 50,000 पे कोई टैक्स नहीं देना है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24। धीरे धीरे करके सरकार न्यू टैक्स रिजीम ही एप्लीकेबल करवा रही है, और लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में जाओ जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म हो जाए। वैसे ही नेक्स्ट जो चेंज लेकर आए थे, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यू टैक्स रिजीम ही बाय डिफॉल्ट रिजीम है। मतलब जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो अब आपको न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट नहीं करना है मैन्युअली, वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही होगा। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम पे जाना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना पड़ेगा ओल्ड टैक्स सिस्टम, ओल्ड टैक्स रिजीम। पर आपके पास जो ऑप्शन है सिलेक्शन का फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, वो अप टू 31 जुलाई है, अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट 31 जुलाई है। अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, दैट मींस बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करने का समय नहीं होगा, आपको बाय डिफॉल्ट ही न्यू टैक्स रिजीम फाइल करना पड़ेगा। तो आपके पास जो ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन है वो तब तक है जब तक आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दें। ड्यू डेट के बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेगा, तो इस ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद सेक्शन 87A, जो कि रिबेट का सेक्शन है, उसकी लिमिट भी इंक्रीज कर दी है न्यू टैक्स रिजीम में। अगेन आप देख सकते हैं हर स्लाइड में न्यू टैक्स रिजीम को ही बेनिफिशियल बनाया जा रहा है। तो न्यू टैक्स रिजीम में ही जो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 तक रिबेट का अमाउंट 12,500 था, उसको इंक्रीज करके 25,000 कर दिया है, जस्ट डबल कर दिया है, जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम में ही ज्यादा बेनिफिट रहे तो रिबेट का अमाउंट भी बढ़ा दिया है। एक और न्यू टैक्स रिजीम में उनने चेंज किया है, वो ये है कि जब कोई सैलरीड पर्सन रिटर्न फाइल कर रहा है या पेंशनर रिटर्न फाइल कर रहा है और न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करा हुआ है, तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलेगा। ये चेंज फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड ही है, क्योंकि अप टू 22-23 तक न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन नहीं था।
ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ये सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन था फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, बट अब न्यू रिजीम में भी इनने 50,000 का एडिशनल डिडक्शन दे दिया है। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने ये देखा कि एडिशनल 50,000 में आपको कोई टैक्स नहीं देना क्योंकि 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी है न्यू टैक्स रिजीम में। फिर रिबेट भी इंक्रीज कर दी है उनने, एडिशनल 50,000 आपको सैलरी में भी वो देने को रेडी है। तो ऐसे आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है। और ये जितने मैंने आपको 5 चेंजेस बताए, ये इम्पोर्टेंट चेंजेस है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो ये आपके टैक्स अमाउंट को इफेक्ट कर सकते हैं। अभी भी समय है, आप एस्टिमेट कर लें आपका कितना टैक्स बन रहा है ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट मैं आपको कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूं। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।